10 माह के भीतर 4 चोरी, बदमाश गिरफ्तार। 2 बाइक, विद्युत तार और जनरेटर की कॉपर वायर चुराई, सीसीटीवी देख पुलिस ने पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा शहर की अमहिया पुलिस ने 4 अलग अलग चोरियों का खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 माह के भीतर एक शातिर बदमाश ने 2 घरों के बाहर से बाइक, पुलिस प्रशिक्षण साला से विद्युत तार और जनरेटर की कॉपर वायर चुराई थी। आधी रात में हुई 4 चोरियों के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद एक दर्जन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। ऐसे में एक चोर का फुटेज कई जगहों पर दिखा है। संदेही चोर को पकड़कर अमहिया पुलिस थाने लाई। सख्ती दिखाई तो आरोपी बदमाश ने जुर्म कबूल कर लिया है। बदमाश के कब्जे से बाइक क्रमांक MP17MN5647, दूसरी बाइक क्रमांक MP19MR5783, विद्युत तार और जनरेटर की कॉपर वायर रात बरामद की गई है। जब्त सामान की कीमत करीब 1.20 लाख रुपए है। अमिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी विजय साकेत पुत्र राम कृपाल 19 वर्ष निवासी उल्ही थाना मनगवा को गिरफ्तार किया है। वह अजगरहा में सरदार पटेल के घर को किराए पर लिया था, फिर शहर में रैकी कर चोरी करता था। 3 जनवरी 2023 को संजय गांधी अस्पताल में फरियादी सलमान खान पुत्र मोहम्मद रफी 34 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 41 की बाइक चुराई थी। दूसरी चोरी 3 फरवरी 2023 को रीवा पुलिस प्रशिक्षण के नर्मदा हॉस्टल में दरवाजे का ताला तोड़कर विद्युत तार चोरी कर ली। तीसरी चोरी 29 सितंबर 2023 को गुरु कृपा नर्सिंग होम के पास श्री राम स्टोर की दुकान के सामने से राकेश कुशवाहा पुत्र इंद्रजीत 35 वर्ष निवासी छिबौरा थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना की बाइक चुरा ली। वहीं आखिरी चोरी 14 अक्टूबर को प्रेम बूट हाउस के पास डीजे की दुकान के बाहर से जनरेटर की कॉपर वायर चुराई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।